हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में करने वाले एक्सपेरिमेंट, वो भी 50 वोल्ट डीसी। देख सकते हैं ये है 12 वोल्ट और यहाँ पे देख सकते हैं ये है 12 वोल्ट और ये है देख सकते हैं 20 वोल्ट। ये टोटल देख सकते हैं यहाँ पे 50 वोल्ट पूर चुका है। तो ये अब यहाँ पे डीसी 50 वोल्ट से एक्सपेरिमेंट क्या करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं यह है 12 वोल्ट मोटर, इसे 50 वोल्ट से यहाँ पे चलाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये है 3.7 वोल्ट मोटर, इसे भी चलाने वाले हैं 50 वोल्ट से। यहाँ पे देख सकते हैं ये है 750 मोटर, इसे भी 50 वोल्ट से चलाने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है, ये मोटर वर्क करता है ये खराब हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये है 9 वोल्ट मोटर, इसे भी 50 वोल्ट से चलाएंगे। जानते हैं इस वीडियो का खास बात, देख सकते हैं ये है हीटर का कॉइल, ये एसी से अच्छी तरीके से वर्क करता है और यहाँ एसी में काफी ज्यादा ये बिजली को लेता है और यहाँ पे एम्पियर भी लेता है। ये 50 वोल्ट डीसी से कितना जलेगा, कितना बड़ा और ये कितना एम्पियर लेगा, चलिए जानते हैं। और ये जो 100 वाट का बल्ब देख रहे हैं, ये एसी बिजली से चलता है, इसे 50 वोल्ट डीसी से जलाने की कोशिश करेंगे। चलिए इसे मैं अभी साइड में रख देते हैं। और मेरे पास देख सकते हैं ये है ड्रिल मशीन, इसे भी 50 वोल्ट से चलाएंगे, देखते हैं ये चलता है या नहीं। चलिए आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ये है 50 वोल्ट का वायर, चलिए इसे आपस में पहले शॉर्ट करते हैं और देखते हैं इसमें कितना बड़ा स्पार्क निकलता है। लाइट को कर लेते हैं ऑफ, देख सकते हैं यहाँ पे स्पार्क काफी ज्यादा मात्रा में निकल रहा है। आप सबसे पहले यहाँ पे 3 वोल्ट मोटर को चला के रन करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितना ये आरपीएम में चलता है। ये ओ माय गॉड, देख सकते हैं ये काफी साउंड करता है और इससे देख सकते हैं धुआं भी निकल रहा था, स्पार्क बहुत ही ज्यादा करता है वायर में। ओ माय गॉड, देख सकते हैं ये अंदर से धुआं निकल रहा है। ओ सेट, चलिए अब इसे साइड में करते हैं, मुझे मोटर को खराब नहीं करना है। अब यहाँ पे 9 वोल्ट मोटर को चलाते हैं और मैं अभी आपको पहले सबसे पहले यहाँ पे 3.7 वोल्ट बैटरी से इस मोटर को रन करके दिखाता हूँ। देखते हैं इसका साउंड, देख सकते हैं कितना स्लो साउंड है और यहाँ पे ये इसका आरपीएम ठीक ठाक है। अब इसे 50 वोल्ट मोटर में एंटर करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं स्पार्क, ओ माय गॉड, यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन ब्रश जो सटता है मोटर में, इसका स्पार्क देख सकते हैं, ओ माय गॉड। लाइट को ऑफ करते हैं, ओ माय गॉड, देख सकते हैं मोटर के अंदर से कितना लाइट बाहर निकलता है, जबकि ये मोटर को मैंने हाथ में पकड़ के रखा था। अब इस मोटर को भी करते हैं साइड में और अब आते हैं 12 वोल्ट मोटर को चलाते हैं और देखते हैं ये कितना आरपीएम पे चलता है। हैवी तरीके से पकड़ना होगा क्योंकि यहाँ पे ये आरपीएम इसका बहुत ज्यादा है। ओ माय गॉड, देख सकते हैं यहाँ पे ये बहुत ज्यादा स्पार्क निकलता है और यहाँ पे मोटर टॉर्क बहुत ज्यादा यहाँ पे दे रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ पे देख सकते हैं ओनली 3 सेकंड में इसका आरपीएम बहुत ज्यादा हाई पकड़ लेता है स्पीड। ओ माय गॉड, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं ये जो कटर है इसे पहले यहाँ पे निकाल देते हैं, नहीं तो ये निकल भी सकता है स्पीड में। उसके बाद इस मोटर को हाई स्पीड में रन करेंगे कुछ मिनट तक, देखते हैं सरवाइव कर पाता है या नहीं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो नीचे रेड का बटन दबा के सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे देख सकते हैं मोटर में ब्रश, 12 वोल्ट मोटर में स्पार्क उतना नहीं देखने के लिए मिलता है। इसे साइड में करते हैं, अब आते हैं 750 मोटर को, यहाँ पे देख सकते हैं माय गॉड, अब 750 मोटर को भी साइड में करते हैं और यहाँ पे अब फाइनली ड्रिल मशीन को चला के ट्राई करते हैं, देखते हैं चलता है या नहीं। देख सकते हैं ड्रिल मशीन आ चुका है यहाँ पे, वायर इसका देख सकते हैं, ये कोई फेक वीडियो नहीं है, मैं रियल में आपको ड्रिल मशीन डीसी से चला के दिखा रहा हूँ।
देख सकते हैं वायर को मैंने यहाँ पे पकड़ के रखा है। और सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसे ऑन ड्रिल मशीन को ऑन कर दिया। यहाँ पे पहले देख सकते हैं ये अभी ऑफ है, इसे मैंने प्रेस किया और इसे मैंने ऑन कर दिया। अब इसे मैं देख सकते हैं यहाँ पे ये रन कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे काफी ड्रिल मशीन का आरपीएम है। चलिए यहाँ पे इसका टावर को जानते हैं। मैं काफी हाथ से इजी तरीके से तो नहीं, काफी देख सकते हैं मैं ड्रिल मशीन को, तब फिर भी मैं अपने हाथ से इसे रोक दे रहा हूँ। लेकिन इसमें तो फिर भी आरपीएम है, इसे आप छोटा मोटा ड्रिल कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे स्पार्क निकल रहा है इसे चलाने वक्त। अब सबसे मेन बात 100 वाट बल्ब को जलाते हैं, इसे साइड में कर देते हैं पहले अच्छी तरीके से, नहीं तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। देख सकते हैं ये है 100 वाट बल्ब, चलिए इसे जलाते हैं फाइनली। ओ माय गॉड जल नहीं रहा है वो सेट, ओ माय गॉड देख सकते हैं यहाँ पे ये दोस्तों रियल में 100 वाट बल्ब जल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ ये ग्लो कर रहा है, रेड कलर का हल्का सा जला है। और देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वायर को अच्छी तरीके से पकड़ के रखा है। लाइट को ऑफ करते हैं, देख सकते हैं काफी लाइट भी कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे ये 100 वाट बल्ब 100% ग्लो कर रहा है, लाल कलर में लाइट जल रहा है। और यहाँ पे ये 50 वोल्ट है, अगर आप डीसी वोल्ट 100 वाट बल्ब को देते हैं तो ये जलेगा, अगर आप यहाँ पे डीसी वोल्ट 200 वोल्ट देंगे तो ये ग्लो पूरा ज्यादा लाइट करेगा। चलिए अब नेक्स्ट अब यहाँ पे हीटर का तार को जलाते हैं, देखते हैं यहाँ पे ये जलता है या नहीं। मैं यहाँ पे पहले इस तार को फिक्स कर देता हूँ। ओह देख सकते हैं यहाँ पे ये हीट हो रहा है, लाइट को करते हैं ऑफ। इतना बड़ा ये नहीं जला सकता है, चलिए इसमें छोटा करते हैं। यहाँ पे ये कैमरा में कैद नहीं हो रहा है, ये लाल लाल हो रहा है लेकिन यहाँ पे ये छोटा हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे ये रेड कलर का हीटर ऑन हो चुका है सिर्फ डीसी वोल्टेज से, 50 वोल्ट से ये डीसी ये हीटर को ऑन कर दिया है। लेकिन यहाँ पे ये एम्पियर बहुत ज्यादा ही ड्रॉप कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे कितना रेड हॉट है। वो वाओ यहाँ पे काफी इसे हीट निकल रहा है, मुझे गर्मी भी लग रहा है। अब करते हैं लाइट को ऑफ और देखते हैं इस हीटर को ऑन करने वक्त कितना एम्पियर ये हीटर लेता है। करते हैं ऑन और इसे ठंडा होने के लिए कुछ देर रख देते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका एम्पियर चेक करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं एम्पियर मीटर को मैंने कनेक्ट कर दिया है हीटर से। अब यहाँ पे 50 वोल्ट इसमें कनेक्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कितना एम्पियर लेता है। ओ माय गॉड अब करते हैं लाइट को ऑफ और लाइट को ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे ये कितना एम्पियर लेता है यहाँ पे दिख नहीं रहा। और यहाँ पे देख सकते हैं हीटर रेड हॉट हो चुका है, काफी ग्लो कर रहा है, देख सकते हैं इसे आप, इतना रेड हॉट काफी है खाना बनाने के लिए। लेकिन अगर बात करें तो इसकी लंबाई तो ये 4 सेंटीमीटर का ये है। अब लाइट को करते हैं ऑफ और देखते हैं कितना एम्पियर ये ड्रॉप कर रहा है। लाइट हो गया है ऑन, देख सकते हैं ये 6 एम्पियर हीटर ले रहा है, इसका साइज 3 सेंटीमीटर है। इस तरह से आप गुना करके एक बड़ा हीटर का साइज निकाल सकते हैं और डीसी करंट से चला सकते हैं। अगर बैटरी यहाँ पे ड्रॉप का बात करें, ये बैटरी काफी ज्यादा कंज्यूम कर रहा होगा, देख सकते हैं ये यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी लाइट है और यहाँ पे ये रेड हॉट दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी लाइट जल रहा है और यहाँ पे ये रेड हॉट आपको दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ओनली 20 वोल्ट अगर देते हैं तो ये 4 एम्पियर 4.5 एम्पियर यहाँ पे ये अभी ले रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं अगर 50 वोल्ट अगर देते हैं तो ये 6 एम्पियर ड्रॉप करता है।
अब करते हैं स्टॉप। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, नीचे रेड का बटन दबा के सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।